हे गाइस, दिस इज सिद्धार्थ एके टेकी बफून, और आज हम बात करेंगे पोको के लैपटॉप्स की। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में पहले भी बोला था, बहुत सारी कंपनीज अपने खुद के लैपटॉप्स बना रहे हैं, वो है सोनी। वेल, सोनी नहीं, अब वायो हो चुका है। तो जो पहले सोनी की ब्रांड हुआ करती थी, जो दूसरे ब्रांड ने अब खरीद ली, वो वायो के लैपटॉप्स लॉन्च कर रहे हैं। एंड इवन नोकिया के लैपटॉप्स भी आने वाले हैं। एंड मुझे लगता है नोकिया के लैपटॉप्स ज़्यादा इंटिमिडेटिंग होगी, क्योंकि उसमें AMD के प्रोसेसर्स होंगे। वो दोनों वीडियोज़ आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, मैंने उन दोनों पे वीडियोस करके रखी है, टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन होगा। अगर आपको अफोर्डेबल एंड क्वालिटी स्किन्स लेनी हो तो फिर रिग गियर की वेबसाइट पे जाके आप ये स्किन्स चेकआउट कर सकते हैं। एंड कोड टेकी10 यूज करना, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑलरेडी अफोर्डेबल स्किन्स के लिए। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर इन स्किन्स का रिव्यू देखने तो फिर टॉप राइट पे क्लिक कर सकते हो। और देखो, अगर आप कमेंट करने वालों कि ये माइक कौन सा, वो पीसी कौन सा, उसमें कौन से स्पेक्स हैं, मतलब प्रोसेसर, रैम कौन सा, हार्ड ड्राइव कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, या फिर हेडसेट, या फिर इवन मॉनिटर कौन सा यूज़ करता हूँ, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में होगा, सारी लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में होगी। तो प्लीज़ मेक श्योर टू चेक इट आउट। पर अब बात करते हैं पोको के लैपटॉप्स की। तो देखो, ये एक ट्रेंड रहा है पोको के ब्रांड में कि वो हमेशा रेडमी या फिर शाओमी के रीब्रांडेड फ़ोन्स वापस लॉन्च करते हैं, क्योंकि उनकी अच्छी रेपुटेशन थी पोको F1 के टाइम पर। लेकिन काइंड ऑफ अब वो रेपुटेशन धीरे धीरे डाउनहिल जा रही है। तो वो अब अपना पोर्टफोलियो एक्चुअली बढ़ा रहे हैं पोको के लैपटॉप्स के साथ, एंड और भी स्मार्ट अदर गैजेट्स आएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी न्यूज़ है अब तक के लिए 2021 में, उनके लैपटॉप्स आएंगे। तो एक्चुअली ये दो, जो बैटरी के वजह से ये दो मॉडल्स लीक हुए थे, एंड ये दोनों सेम MI के ब्रांड, जो मी ब्रांड है, उसमें सेम ये मॉडल्स ऑलरेडी हैं। एंड बेसिकली अगर उनको सर्च करें तो फिर Xiaomi Pro 15.6 इंच वाला लैपटॉप निकलता है, जो एक्चुअली चाइना में लॉन्च हुआ था। एंड उसी का एक थोड़ा सस्ता वर्जन Xiaomi ने इंडिया में लॉन्च किया था, जो नोटबुक 14 Horizon Edition था, वो ऑलमोस्ट सेम था बट नॉट क्वाइट द सेम। अब ये बेसिकली MacBook Pro के जैसा डिज़ाइन है, डिज़ाइन ख़राब नहीं है मेरे हिसाब से, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, बट थोड़ा ओरिजिनल लेके आना चाहिए था Xiaomi को। एंड ये एग्जैक्ट सेम लैपटॉप ऐसा अभी लीक हुआ है, ये काइंड ऑफ पक्का नहीं बोल सकते कि ये एग्जैक्ट लैपटॉप होगा या नहीं, बट नोइंग पोको, वो सेम चीज़ वापस लॉन्च करेंगे जो चाइना में ऑलरेडी इन्होंने लॉन्च किया था। तो थोड़ा बहुत इनको ऑलरेडी पता है कि क्या फीचर्स सही थे, क्या फीचर्स गलत थे, उनको थोड़ा सा पॉलिश करके वापस इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं। एंड अगर आपको अभी एक बहुत ही अच्छा थिन एंड लाइट लैपटॉप लेना है, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये एक्चुअली X360 है, 360 हिंज है, मैंने इस पर पूरी वीडियो करके रखी है, टॉप राइट पे क्लिक करके वो वीडियो चेक करना। मेरे हिसाब से ये बेस्ट डील है अभी के लिए। तो अभी के लिए हम जो उसका 2020 वाला वर्जन था Xiaomi Pro 15.6 इंच वाले का, उसका हम अभी स्पेक्स देख लेते हैं। तो ये एक्चुअली उसका डिज़ाइन है, बहुत ही सही है, जैसे कि मैंने बोला MacBook Pro जैसा ही डिज़ाइन है। 15.6 इंच स्क्रीन, 1080p डिस्प्ले था, 60Hz, फुल साइज़ कीबोर्ड एक्चुअली, एंड i5 और i7 10th जनरेशन वाला प्रोसेसर था उसमें। 4.2 से 4.9 GHz तक वो बूस्ट कर सकता था। 2GB GDDR5 वाला जो MX350 वाला जो ग्राफिक्स कार्ड था, डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड है, तो दैट्स अ बिट बेटर। पर अगर वो 2020 में लॉन्च करें तो शायद से i7 जो 11th जनरेशन है वो लॉन्च करेंगे, एंड उसका जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है वो ऑलरेडी बहुत ही अच्छा है, MX350 या 450 जितना अच्छा है। तो मुझे लगता है इनको डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8GB या 16GB DDR4 ड्यूल चैनल रैम होगी, 512 या 1TB PCIe SSD स्टोरेज होगा, तो बेसिकली NVMe M.2 स्टोरेज होगा, जो बहुत ही एक्चुअली फास्ट स्टोरेज है, विंडोज 10 OS ऑब्वियसली। अब एक जो चीज़ की थी Xiaomi ने, वो था उन्होंने वेबकैम डाला नहीं था एकदम टॉप वाले बेजल को छोटा करने के लिए। लेकिन जैसे कि उन्होंने रिजल्ट देखा, बहुत सारे लोगों को वेबकैम चाहिए होता है, उन्होंने अलग से बॉक्स में दिया था, बट दैट्स नॉट द बेस्ट इंप्लीमेंटेशन। इसलिए इस वाले लैपटॉप में, जैसे कि Xiaomi Pro 15.6 एडिशन में था, वैसे ही इस लैपटॉप में भी, जो पोको का लैपटॉप होगा, उसमें सेम वेबकैम हो सकता है। वेबकैम क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, 720p है, 1 MP शुड डू द जॉब फॉर द वीडियो कॉल्स। ड्यूअल हीट पाइप कूलिंग सिस्टम, बेसिकली अच्छा कूलिंग सिस्टम होगा। फिंगरप्रिंट अनलॉक सेंसर, एंड इसमें एक्चुअली USB-C चार्जिंग सपोर्ट होगी। तो हम पोर्ट्स की बात कर ले तो फिर एक फुल HDMI, दो फुल USB पोर्ट्स, एंड ऑक्स पोर्ट, SD कार्ड रीडर और USB Type-C पोर्ट। अब ये शायद से थंडरबोल्ट हो सकता है, शायद से नहीं हो सकता, वो प्राइस पे डिपेंड करेगा, जिस पे मैं आगे थोड़ी देर में आने वाला हूँ। ब्लूटूथ 5.0 और Wi-Fi 6। अब प्राइस, तो जैसे कि हमने Xiaomi Pro 15.6 एडिशन को थोड़ा सा सस्ता करके इंडिया में उन्होंने लॉन्च किया था, 60,000 मैक्स प्राइस थी, अब 62 हो चुकी है, लेकिन उसकी लॉन्चिंग प्राइस 60,000 थी। वैसे ही पोको
Xiaomi से थोड़ा नीचे है, तो शायद से उसी प्राइस रेंज 50-55 में इनका फ्लैगशिप लैपटॉप लाएगा, लेकिन थोड़ा नीचे ऑब्वियसली उस इंडिया की मार्केट में उनको 30,000 से लेके 40,000 के बीच में भी अच्छे लैपटॉप्स लाने पड़ेंगे। अब ऑलरेडी इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो ये ज़्यादा अच्छे लैपटॉप्स ला सकते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, Xiaomi ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग करेगा। एंड एक जो कंप्लेन है मेरा वो है AMD। अब AMD के प्रोसेसर सबको पता ही है, Ryzen 4 जन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कम्पेयर टू Intel 10th जनरेशन हो या 11th जनरेशन हो, उन दोनों से अच्छा है। तो शायद से एक AMD लैपटॉप इनको बीच में लाना चाहिए था, मे बी मिड रेंज के लिए। एंड आगे इन लैपटॉप का रिव्यू देखना पड़ेगा कि ये कैसे प्ले आउट करते हैं इंडियन मार्केट में। तो आपका क्या ओपिनियन है इन लैपटॉप्स के बारे में? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो फिर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ऐसे और टेक न्यूज़, रिव्यूज़, अनबॉक्सिंग्स और बहुत सारी चीज़ों के लिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे दोनों ट्विटर एंड इंस्टाग्राम के हैंडल्स की लिंक डाल के रखी है। एंड अंटिल द नेक्स्ट वन, गुड बाय।